राजधानी दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। दक्षिण पूर्व दिल्ली के कालंदी कुंज में एक महिला पर निर्मम तरीके से हमला करने का मामला सामने आया है। बेटी ने जब फ्लैट का दरवाजा खोला तो मां को खून से सना हुआ पाया। बहराइच के महाराजगंज में हुआ हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। बिहार से मद्य निषेध, मंत्री रत्नेश सदा का बड़ा बयान सामने आया। शराब पीने से मौत के मामले पर दुख जताते हुए कहा कि शराब माफिया और कारोबारियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किराएदार को बेदखली आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दिल्ली रेंट कंट्रोल DRC के सेक्शन 25(8) के प्रावधानों में इस पर रोक नहीं है। बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरोपी सरफराज खान का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वह नेपाल भागने की फिराक में था। मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर की जिम्मेदारी लेने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में है। काले हिरण शिकार मामले को लेकर बॉलीवुड स्टार सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है। रघुवीर नगर चौकी के स्टाफ ने एक मूर्ति चोर को किया गिरफ्तार। रिकॉर्ड के अनुसार बिरजू नारायण पर पहले भी कई अपराधी मामले में संलिप्तता पाई गई है। उससे 11 धातु की बनी मूर्तियों की बरामदगी भी हुई है। साउथ वेस्ट जिले के सागरपुर कैलाशपुरी कॉलोनी में फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई। अचानक देर रात को इस फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी, जिस कारण आग बराबर वाली बिल्डिंग में फैल गई। शादरा इलाके से एक घर में आग लगने की सूचना मिली। आग बुझाने के लिए कुल 6 दमकल गाड़ियां भेजी गई। आग एक घर की तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी थी। 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया और 2 जले हुए शव घर से बाहर निकाले गए। मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए 4 महिलाओं से शादी करने वाले एक आरोपी को अरेस्ट किया। पुलिस ने एक ऐसे ग्रोह को गिरफ्तार किया जो परिवारों से संपर्क करता था और दुल्हन के बदले लड़की के परिवारों के घर जाकर ठगी करता था।